हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वन प्लस नोड CE3 लाइट CE4 लाइट 5G फ़ोन है, तो वन प्लस नोड CE4 लाइट 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे वन प्लस फ़ोन में आप नोटिफिकेशंस वगैरह को हाइड कैसे कर सकते हैं और कैसे नोटिफिकेशंस वगैरह को आप छिपा सकते हैं वन प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि नोटिफिकेशंस वगैरह को कैसे हाइड कर सकते हैं और कैसे छिपा सकते हैं वन प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं जिसमें आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन से ओपन, सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जहाँ से अपने फ़ोन में नोटिफिकेशंस वगैरह को आप हाइड कर सकते हैं और छिपा सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है। तो नोटिफिकेशंस हाइड करना है तो आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे चले जाना है। तो नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे जाकर नोटिफिकेशंस को हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, जहाँ से आपको नोटिफिकेशन हाइड करना है, साइलेंट करना है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ से जाकर शो ऐप ओनली पे क्लिक कर देंगे, सिंपली ऐप्स वगैरह के जो भी नोटिफिकेशन होंगे हाइड एंड साइलेंट हो जाएंगे, जिसका आप यूज़ नहीं कर सकते और शो नहीं हो जाएंगे आपके फ़ोन में। अगर आप चाहें तो स्टेटस बार नोटिफिकेशन को भी आप हाइड कर सकते हैं और छिपा सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना और नोटिफिकेशंस को हाइड करना चाहते हैं आप कर पाएंगे। डू नॉट शो करते ही जो भी नोटिफिकेशंस होंगे आपके फ़ोन पे शो नहीं करेंगे स्टेटस बार पे और हाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी नोटिफिकेशंस को आप हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।